नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीसी 7। मैं मुकेश शर्मा। आज हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर जो पीटीआई टीचरों की भर्ती हुई थी। 1983 पीटीआई टीचर लिए गए थे। 2006 के अंदर जो भर्ती निकाली गई थी, जिसमें 2010 में उन्हें ले लिया गया था, उन्हें ज्वाइनिंग कराई गई थी। हालांकि 10 साल उन्हें सर्विस करते हो गए, लेकिन 10 साल के बाद सितंबर में 2012 के अंदर ये जो केस है दोबारा से डाला गया और कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि जो टीचर है उनके अंदर कोई भी दस्तावेजों की है अच्छी तरह से वेरिफिकेशन नहीं की गई, उन्हें वैसे ही जो है ज्वाइनिंग करा दी गई। तो अब देखते हैं हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, जो जिला वाई हर खंड के तहत हर जगह जो है टीचरों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज हम जा पहुँचे हैं नाथूश्री चोपटा में। सिरसा से सटा हुआ एक छोटा सा कस्बा है, जहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं ओम प्रकाश शर्मा। जिंदाबाद हमारा भाईचारा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। कट्टर पट्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अध्यापकों के साथ बर्बरता बंद करो बंद करो बंद करो। हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा संघर्ष जिंदाबाद। आज हम पहुंचे हैं चोपटा खंड में और यहां पे जो पीटीआई अध्यापिका हैं हमारे साथ हैं रोशनी मैडम। ये इनका प्रदर्शन लगातार आज दूसरे दिन जारी है यहां पे। ये अपना रोजगार बचाने के लिए इस कोरोना महामारी के अंदर भी जूझ रहे हैं, अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो 1983 पीटीआई जो 2010 के अंदर भर्ती हुई थी, 2006 के अंदर विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन हाईकोर्ट का फरमान है कि इनको इनकी नियुक्तियाँ रद्द की जाएँ, उसके बारे में मैडम जी क्या कहना है आपको? ये सर सुप्रीम कोर्ट से ये जो आदेश आए हैं सर हमें हटाने के, इसमें जो आदेश दिया है उसमें जो रिजल्ट आया है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो सरकारी जो पीटीआई टीचर हैं कहीं भी फाल्टी नहीं है। जो दोष है ये चयन प्रक्रिया का दोष है, इसमें उसमें लिखा हुआ है कोर्ट के फैसले में। लेकिन हमें नहीं पता सरकार ने हमें किस बेस पे स्कूल से बाहर कर दिया है, हमें रिलीव कर दिया है, इस बात का हमें भी नहीं पता। लेकिन जो फैसला है वो तो सुप्रीम कोर्ट का है, सरकार कह रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखा गया है कि इसमें जो टीचर है वो कहीं फाल्टी नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, चयन प्रक्रिया का दोष है। जो इंटरव्यू के नंबर 20, 25 से 30 किए गए थे वो चयन प्रक्रिया जो थी उसमें इसके थ्रू जो हम लगे हुए हैं उन्होंने किया था। जो पीटीआई टीचर है उन्होंने कुछ नहीं किया इसमें, और ना ही हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, ना हम फर्जी है, हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, सीबीआई जांच कर सकते हैं, हम सीबीआई जांच करवाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स गलत है तो हम अपने आप ये नौकरी छोड़ देंगे। हमें इस बात की अगर गलत है हमें इस बात का दुख नहीं है, हम तब भी नौकरी छोड़ सकते हैं। लेकिन हम अगर गलत नहीं है तो हमें इस तरह 10 साल की सेवा देने के बाद अगर सरकार ये बाहर कर रही है तो हमें बहुत दुख हो रहा है। आज इस दुख की घड़ी में हम हमारा इस परिवार पूरा परिवार दुखी है हमारा। लेकिन हम पूछते हैं कि हमारी गलती क्या है, आपने क्या कर दिया, मैडम आपको हटा क्यों दिया, हम क्या बताएं कि हमारी क्या गलती है। 10 साल हो गए हमें इस सेवा देते हुए इस विभाग में, यहाँ तक कि खुद हम खेल कर मेडल लेके आए हैं। थोड़े दिन पहले इतना हमें मान सम्मान दिया गया था, दुख होता है इस बात का कि वो ही आज ये पूछने आते हैं। जैसा कि मेरी साथी रोशनी ने बताया कि ये कल थोड़े दिन पहले जो सिविल सर्विसेज होती है उसमें मेडल लेके आई हैं, और ये बात बिल्कुल सच भी है। और लोगों ने बड़े ही मान और सम्मान के साथ इसको मालाएं पहनाकर इसका स्वागत किया गया था। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ भी हमारा कसूर क्या था। हम 1983 पीटीआईज लगे थे, ये हमारा काम नहीं था भी, हम लोगों ने भी जो 25 नंबर से बढ़ा करके 30 नंबर कर दिया इंटरव्यू, ये काम हमारा नहीं था, ये था काम उनका जिन्होंने हमें भर्ती किया था। तो उनको बिना कोई सजा दिए, उनको तो 50 लाख का जुर्माना किया था वो भी सरकार ने माफ़ कर दिया, और हम लोगों को बेवजह सजा दे रही है सरकार। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सरकार से कि या तो हमें बहाल किया जाए, नहीं तो हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। हम बहुत दिनों तक बाहर बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहती हूँ भी अगर आप लोग हमें बहाल नहीं करेंगे तो हम करने या मरने के लिए तैयार बैठे हैं, जो आपके मन में आए।
धन्यवाद मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हरियाणा सरकार का तुगलकी फरमान है, ये महिला जो हमारे साथ पीटीआई मैडम थी, इन्होंने कहा है कि कुछ समय पहले मेरी इतनी इज्जत हुई थी, कहीं इन्होंने जो मेडल जीता था उसके बारे में इनकी इतनी मतलब मान और सम्मान बढ़ाया था, लेकिन आज लोग इनसे ताने मार रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आपकी नौकरी को क्या हुआ। और हम पूरी टीम इनके साथ हैं, हम जितना हो सकेगा इनका जो जब तक धरना प्रदर्शन चलेगा हम इनका साथ देंगे। आप देख रहे हैं JBC 7 न्यूज़, धन्यवाद। देखा कि टीचरों में काफ़ी आक्रोश भरा हुआ है, सरकार के प्रति जो रोष है, सरकार के प्रति काफ़ी गुस्सा है टीचर। आखिर क्यों ना हो, क्योंकि 10 साल से वो सर्विस दे रहे हैं और 10 साल की सर्विस के बाद अचानक से उनकी पेट पर रोजी पे जो लात मार दी गई। आपने देखा एक महिला जो है काफ़ी भावुक हो गई, क्योंकि 10 साल से उन्होंने अपने आप को इस नौकरी पर निर्भर कर लिया था, जब ये नौकरी उनके हाथ से छीनने का डर और सरकार द्वारा जो एक कूटनीति अपनाई गई है 10 साल बाद रोज़गार देने के बाद जब उन्हें हटा दिया जाता है, आखिर उनको दूसरी नौकरी मिले ना मिले या फिर उनकी इस नौकरी को लात लगने के बाद आगे क्या होगा, तो उन्हें भी अपने घर की और सब प्रकार की जो फिक्र है, इतना भावुक हो गई थी। आपने जो देखा होगा, आगे से इसी प्रकार की न्यूज़ और जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। JBC चैनल को जो नीचे लाल रंग का बटन दिया गया है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको जो भी खबर हो तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।